इतिहास के पन्नों से गुजरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किताबें। लेकिन कई बार गुजरे समय में लिया गया फोटो खुद में एक पूरी की पूरी किताब होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस तरह की किताबों को पढ़ने के लिए? मेरा मतलब है फोटोज देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। किताबों का बंटवारा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ही था, तब इस पिक्चर को डेविड डगलस डंकन ने कैप्चर किया था। 18 अगस्त 1947 को लाइफ नाम के एक अमेरिकन मैगजीन में इस फोटो को प्रिंट किया गया था और साथ में लिखा गया था, इम्पीरियल सेक्रेटेरियल लाइब्रेरी के बीएसके सवान 150,000 किताबों को दो बराबर बराबर भाग में बांटते हुए। भूख से तड़पता हुआ बच्चा और गिद्ध। केविन कार्टर बैंग बैंग क्लब के कुछ बहादुर फोटोग्राफर में से एक थे। 1993 में सूडान में फैले अकाल की तस्वीर लेने के लिए वो रवाना हुए थे और वहाँ उन्होंने इस फोटो को कैप्चर किया था। ये बच्चा खाना लेने के लिए फीडिंग सेंटर जा रहा था और बीच रास्ते में कमजोरी के कारण वो गिर गया और ठीक उसी वक्त ये गिद्ध वहाँ आकर खड़ा हो गया जो शायद इस बच्चे का मरने का इंतजार कर रहा था। कार्टर ने 20 मिनट तक गिद्ध के जाने का इंतजार किया लेकिन वो नहीं उड़ा, तो कार्टर ने उसे डराकर भगा दिया और उस बच्चे को फीडिंग सेंटर तक पहुंचाने तक वो प्रोटेक्ट करता रहा। और वैसे भी कार्टर को वहां फैले अकाल की वजह से किसी भी इंसान या चीज को छूने का परमिशन नहीं था और ये बच्चा तो सरवाइव कर गया, लेकिन 1994 में केविन कार्टर ने खुद आत्महत्या कर लिया था। फैटमैन बॉम्ब। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान में गिराए जाने से पहले इसे बनाकर कंप्लीट करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और इस बॉम्ब का वजन 4656 केजी था और गिरते के साथ पूरी एरिया को तबाह कर गया। आज इतने साल बाद भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जान बचने की खुशी। और ये पिक्चर बॉम्ब को नागासाकी पर गिराए जाने की बात की है जिसमें इस महिला के चेहरे की खुशी साफ दिख रही है जिसने इस खतरनाक वक्त को पार किया और सर्वाइव किया। जब बॉम्ब गिराया जा रहा था तब वो अंडरग्राउंड चेंबर में चली गई थी और ये पिक एपिसेंटर से कई मील दूर की है। लेडी लिबर्टी का चेहरा। कॉपर से बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये फेस मास्क है। पेरिस में बनकर तैयार होने के बाद इसे 17 जून 1885 में अमेरिका भेजा गया जिसके खुलने के बाद लोग लेडी लिबर्टी के फेस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। जापानीज आर्मी की निशानेबाजी। ये पिक्चर जापानीज आर्मी पर्सनल की है जो निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे, वो भी इन बेचारों पर जो कि युद्ध के दौरान बंदी बने भारतीय कैदी थे जिनके आंखों में पट्टी लगी हुई थी। नए जूते मिलने की खुशी। इस बच्चे का नाम वर्फल है और ये अनाथ ऑस्ट्रियन लड़का है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वर्फल को जूतों का नया पेयर अमेरिकन रेडक्रॉस ने दिया था जिसके बाद उसके चेहरे पर दिख रही खुशी अनमोल है। निकोला टेस्ला अपने लैब में। निकोला टेस्ला अपने लैब में मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर के साथ बैठे हैं जो लाखों वोल्ट बिजली उत्पादन कर सकती है। इस पिक्चर में दिख रहा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज 22 फीट लंबा है और इस परफेक्ट समय को कैप्चर कोलोराडो स्प्रिंग ने 1899 में किया था। निडर व्यक्ति। इस पिक्चर को 1936 में जर्मनी के नेवी वेसल्स के लॉन्च पर लिया गया था और इस मौके पर वहां पहुंचे हिटलर को लोग कुछ इस तरह से सैल्यूट कर रहे थे और अगर कोई भी सैल्यूट करता हुआ नहीं दिखता तो उनके अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती थी। अगर आप इस पिक्चर को थोड़े गौर से देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति हिटलर को सैल्यूट नहीं करता हुआ दिखेगा और इनका नाम था अगस्त लैंडमेसर जो कि हिटलर की इस भेदभाव वाली सोच के खिलाफ थे। कहा जाता है कि जब नाजी सोल्जर को उनके बारे में पता चला तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बना दिया गया जहां से रिहा होने के बाद जर्मनी फौज में शामिल होने के कुछ ही वक्त बाद युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए थे। भारत के आज़ादी का न्यूज़पेपर रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को ठीक आज़ादी वाले दिन कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। मृत्यु के बाद गांधी जी की तस्वीर। इस पिक्चर में गांधी जी अपनी माँ और परिवार वालों के साथ है और ये गांधी जी को गोली लगने के बाद की जिसे उनकी मृत्यु के बाद लिया गया था। स्विमिंग पूल में एसिड डालते हुए। इस फोटो को जून 1964 में क्लिक किया गया था और भेदभाव जैसी चीज किसी के दिमाग को कैसे कब्जा कर लेती है ये पिक्चर इस चीज को कितनी अच्छे से दिखा रही है। मॉनसून लॉज के स्विमिंग पूल पर ये ब्लैक पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी होटल के ओनर ने स्विमिंग पूल पर एसिड डाल दिया जबकि ये बेचारे तो वाइट पीपल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। यंग हिटलर की फोटो।
इस फोटो को कैप्चर करने वाले व्यक्ति का नाम हेनरिच हॉफमैन था, जो रशिया के विरोध में युद्ध के सपोर्ट में इस रैली को ज्वाइन किए हुए था। और आगे जाकर जब हिटलर सत्ता में आया, तब हॉफमैन हिटलर का पर्सनल फोटोग्राफर बन गया। और उस वक्त इस पिक्चर को हिटलर की प्रोपागैंडाज, स्कूल बुक, न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाता था, और साथ में लिखा रहता था, इस भीड़ में चमकदार आंखों के साथ एक जर्मन देशभक्त एडोल्फ हिटलर। कैलिफोर्निया का रेडवुड्स। रेडवुड्स कैलिफोर्निया की उत्तरी तट पर लगभग 200 लाख सालों से जीवित है, और यहाँ 350 फीट की ऊंचाई तक ये पेड़ होती है। ये विशाल पेड़ 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं। 1915 में ये कैलिफोर्निया के रेडवुड्स को काटने की ये पिक्चर सामने आई थी। उस वक्त पेड़ों की कटाई यहाँ अपने चरम पर थी, और एक इंसान के कंपैरिजन में ये कितना विशाल था, आप इस पिक्चर को देखकर तो समझ ही गए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और दूसरी वीडियो की तरफ मुड़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।